मालकोस की एक दो बंदिशें ऐसे सुनाऊंगा खास। शाह बीकन एक बहुत बड़े संत हुए। मियां अजमल और शाह बीकन दो नाम एक साथ तारीख में हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक में साथ में चलते हैं। कई बंदिशों में ट्रिब्यूट इनको दिया गया बिकॉज ही वॉज अ सेंट। और क्योंकि मैं साहित्य से भी जुड़ा हूं, शायरी से भी जुड़ा हूं और तारीख में भी मेरा काम है, म्यूजिक की हिस्ट्री में भी काम कर। दोहे जो बुजुर्गों की बंदिशें हैं आप उठाकर देखें तो उसमें जितने भी बुजुर्ग हैं, अतरौली जयपुर घराना ले, आगरा घराना ले, खोरजा घराना ले, या दिल्ली तानरस का घराना ले, या सिकंदरा घराना, एक बंदिश उठाएं देखें तो आपको लगेगा दोहा है। दोहे लिखे हैं बुजुर्गों, उसमें राइमिंग भी है और उसमें मैसेज है और उसमें रिलीजियसनेस तो है ही है, लेकिन एक संदेश है, अच्छाई का संदेश। गुरु शिष्य परंपरा हमारी जो तीन परंपराओं में से एक परंपरा है, एक तो सूफिज्म आध्यात्मिकता जिसे कहते हैं, एक हिकमत वैद्य शास्त्र वो एक परंपरा और एक शास्त्रीय संगीत। ये तीन परंपराएं जो हमारी धरती से संस्कृति से जुड़े हैं, इनको आप भूल नहीं सकते। उनको भुला दिया है तो हमारी संस्कृति सिफर जीरो। एक दोहा है, भीकावे नरकूड़ कहावे जो गुरु को जाने और, भीकावे नरकूड़ कहावे जो गुरु को जाने और, रब रूठे गुरु मेलन दे, रब रूठे गुरु मेलन दे, गुरु रूठे नहीं ठो। तो इस दोहे को अब्बा जी ने मालकोस में निबद्ध किया, कंपोज किया और वो गाते थे। इतवा की बात यह है कि कई बंदिशें जो है मुझे इधर से उधर से उनके शागिर्दों से मुझे मिलती रही। ये बंदी जो है वो अब्बा जी के बहुत अच्छे शागिर्द पंडित टीएल राजू, उनके बाद में चला जाता रियाज को बैठता, उन्होंने ये गाई। तो मैंने बोला किसकी बोली, ये अब्बा जी की, उन्होंने कंपोज किए हैं और ये दोहा जो है शाह बीकन का है। तो किस का